अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना और मेरे चैनल क्रीम एंड करी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ फजी ब्राउनीज़, जो आपको रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ में मिलता है, वो भी ओवन में नहीं बल्कि कढ़ाई में, जिसे आप प्रेशर कुकर या कढ़ाई किसी में भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। एक प्याले में मैंने लिया है 115 ग्राम मक्खन और 115 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट। अगर आपको कप्स में मेजरमेंट जानना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। बटर और चॉकलेट को मैं डबल बॉयलर पे मेल्ट करूँगी। बेसिकली एक सॉस पैन लिया है जिसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसे बॉयल होने दिया है, और अब मैंने फ्लेम कम कर दी है और प्याला जो है उसके ऊपर रख दिया है। इसे कहते हैं डबल बॉयलर। अब ये बटर और चॉकलेट इसमें मेल्ट होगा। आप चाहें तो माइक्रोवेव भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक स्क्वायर टिन ले लिया है, ये 8 इंच का टिन है। इसमें मैं एल्युमिनियम फॉइल लगा रही हूँ। आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ब्राउनी अक्सर बटर पेपर पे भी सट जाता है, तो एल्युमिनियम फॉइल को अच्छे से कोने पे लगाएं, ध्यान रखिए फटे ना। तो ये इस तरीके से आपका ब्राउनी आराम से जो है इसमें रहेगा और ये चिपकेगा नहीं। और इसमें हल्का सा मैं बटर लगा रही हूँ ताकि ये ग्रीस जब हो जाएगा तो 99% चांस है आपका ब्राउनी इसमें नहीं चिपकेगा। तो अब आप देखें कि ये जो चॉकलेट और बटर है ये ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है। इसे अच्छे से विस्क कर लें। आपको इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं चलाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो अब आप इसे हटा लें डबल बॉयलर से, और इसमें हम थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे। तो बेसिकली कॉफ़ी जो है कॉफ़ी फ्लेवर के लिए नहीं बल्कि चॉकलेट का टेस्ट और एनहांस करने के लिए हम डालते हैं। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा मिक्स करके और 10 मिनट तक थोड़ा ठंडा होने देंगे। हम इमीडिएटली चीनी नहीं डालेंगे। तो ये 10 मिनट बाद मैंने पिसी हुई चीनी डाली है 250 ग्राम। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब मैं डालूँगी इसमें अंडे। टोटल 3 अंडे डालने हैं लेकिन मैं एक एक करके डालूँगी, और हर अंडे को एक पीस डालने के बाद मैं कम से कम 30 सेकंड ज़रूर अच्छे से मिक्स करूँगी। इस तरह जितना एयर है आपके ब्राउनी बैटर में इनकॉर्पोरेट होगा, क्योंकि हम इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे। तो अब ये लास्ट अंडा मैं डाल रही हूँ और इसी के साथ मैं वनीला एसेंस भी डालूँगी, और अब बस इसे अच्छे से मिक्स करना है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालने से ना वो फ्लफीनेस आ जाती है, लेकिन हमें फजी बनाना है इसीलिए मैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड नहीं कर रही। अब मैंने यूज़ करना है कोको पाउडर और मैदा। इसे मैं एक छन्नी में छान लूँगी। याद रखिए क्योंकि हमने कोई बेकिंग सोडा नहीं डाला है तो इसीलिए इसे अच्छे से छानेंगे, एयर इनकॉर्पोरेट होगा। और इसमें आप चुटकी भर नमक भी डाल रहे हैं। अगर आप मैदा ना भी छाने लेकिन याद से आपने कोको पाउडर छान लेना है, क्योंकि अक्सर उसमें गुठलियाँ रह जाती हैं। अब ये देखिए मैं फिर से एक बार इसे मिक्स कर रही हूँ, और इसमें मैं अपना कोको और मैदा का जो मिक्स है उसे आधा आधा करके डालूँगी। तो ये मैंने आधा पाउडर अभी डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। इसे थोड़ा मिक्स होने में टाइम लगेगा, कुछ 1 से 2 मिनट, लेकिन आप आराम से इसे मिक्स करें। याद रखें नीचे से भी अच्छे से मिला लें और फिर से बचा हुआ जो पाउडर है वो डाल के अच्छे से मिला लें। अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने नमक क्यों डाला है, तो बेसिकली नमक जो है किसी भी खाने में इसलिए डालते हैं ताकि वो बाकी इंग्रेडिएंट्स का जो है फ्लेवर है उसे बढ़ाए, उसका टेस्ट एनहांस करे। तो बेकिंग में नमक पड़ता है, ऑलमोस्ट हर चीज़ में पड़ता है, तो आप घबराएं ना। अब मैं तैयार किए हुए ब्राउनी बैटर को उसके टिन में डाल दूंगी। याद रखिए अगर आप कुकर या कढ़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आप पहले से गर्म कर लें, उसमें 1 कप नमक भी डाल के गर्म करें ताकि उसका बॉटम जो है वो जले ना। कुकर की गैस्केट और सीटी निकाल दें और 10 मिनट तक कम से कम उसे एकदम तेज़ आंच पर गर्म होने दें। और ये मैंने बैटर डालने के बाद इसे अच्छे से टैप कर लिया है, और इसमें जो बड़े बबल्स आएंगे उसे आप टूथपिक से जो है बर्स्ट कर लें, छोटे बबल्स वैसे ही रहने दें। और अब मैं इसे डालूंगी अपने प्रिपेयर्ड ओवन में। तो ये ऑलरेडी काफ़ी गर्म है, इसमें मैं डाल रही हूँ वायर रैक। अगर आपके पास वायर रैक नहीं है तो आप एक स्टील की प्लेट भी डाल सकते हैं। और अब मैं ये ब्राउनी का जो बैटर है इसमें डाल दूंगी। 1 घंटे तक मीडियम फ्लेम पर इसे बेक करूंगी, बहुत स्लो नहीं बहुत हाई नहीं, सिर्फ मीडियम फ्लेम। और अगर आप चाहें तो एक ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 से 40 मिनट तक इसे बेक करें। तो अब आप ये देखें 1 घंटे बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है फूला हुआ सा। इसे 3 घंटे तक मुझे ठंडा करने के लिए इसे छोड़ना है, तो मैंने वायर रैक पे इसे छोड़ दिया है।
तीन घंटे बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है और ये बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी और काट के प्लेट में सर्व करूँगी और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे आप किसी बेकरी या किसी कैफ़े में खाते हैं। इसका टॉप इनफैक्ट जो ऊपर का पार्ट है, ये क्रिंकली पार्ट जो कहते हैं, ये पार्ट आप जो देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे ओवन में बेक करने के बाद दिखता है। तो कोई बता नहीं पाएगा कि आपने इसे कुकर या कढ़ाई में बनाया है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, बाय बाय।